माननीय सदस्य चंद्रशेखर जी। धन्यवाद सभापति महोदया, आपने मुझे बजट में शिक्षा के अनुदान पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अच्छी बात यह है कि शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ मौजूद है, क्योंकि जवाब तो नहीं देना। मोदिया, शिक्षा का बाजारीकरण रोका जाए, सरकारी शिक्षण संस्थानों में विधिवत उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाए, एक क्लास एक सिलेबस होना चाहिए, समान शिक्षा पॉलिसी लागू होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने तो एजुकेशन का बजट ही कम कर दिया है। जब पढ़ेगा नहीं भारत तो आगे कैसे बढ़ेगा भारत। एससी एसटी ओबीसी के छात्रों के बजट में कटौती की गई है, उसे बढ़ाया जाए, नए छात्रावास बनाए जाए, और छात्र संघ चुनाव जो है राजस्थान और उत्तर प्रदेश के छात्रों की मांग है। मैं यूपी से आता हूँ, छात्र राजनीति से आया, हनुमान बेनीवाल जी छात्र राजनीति से आए हैं। हमारी ये मांग है कि छात्र संघ चुनाव बहाल कराए जाएं, जिससे कि गरीब किसान का बेटा भी नेता बन पाए, अपने हकों के लिए लड़ पाए। एससी एसटी के उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में पढ़ने की व्यवस्था कराई जाए, जिसका अभी आंकड़ा बहुत कम है। साथ साथ मेरे लोकसभा क्षेत्र नैटोर में और नजीबाबाद में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनाया जाए, सहानपुर में डिग्री कॉलेज बनाया, भागोवाला में कन्या इंटर कॉलेज बनाया जाए, उसकी जरूरत है। नगीना लोकसभा क्षेत्र के में नए कॉलेजों विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, साथ ही आईआईटी और आईआईएम की स्थापना की जाए, आईआईएम में आरक्षण की व्यवस्था लागू करा जाए। हमारे साथी कह रहे थे करवानी चाहिए इनको, इनकी इच्छा है और होनी भी चाहिए। छात्रों को पोषण या विटामिन सप्लीमेंट भी दिया जाए, और स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालयों में एससी एसटी ओबीसी के रिक्त पदों को भरा जाए। जब टीचर होंगे तभी तो पढ़ाएंगे, टीचर कम है और बच्चे ज़्यादा हैं। साथ साथ एससी एसटी के छात्रों को विशेष शिक्षा सुविधा की भी दी जानी चाहिए। क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएं, कॉलेजों और आईआईटी में जातिगत आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। बहुत बच्चों की जान चली गई, सब ब्रिलियंट थे, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हो रहा। हमारे क्षेत्र में नवोदय स्थालय स्कूल, केंद्रीय विश्वविद्यालय, नेशनल बाल भवन, मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल की स्थापना हमारे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र है वो। हमारे क्षेत्र में टीचर ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएं, जिससे शिक्षकों की कमी दूर हो, बेरोजगारी भी घटेगी। अत्याधुनिक एवं सुरक्षात्मक बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए हॉस्टल उपलब्ध कराए जाएँ। आईआईटी जैसे शिक्षण संस्थानों में एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक छात्रों के लिए पढ़ाई पीछे विशेष सुविधा प्रदान की जाए, जैसे उच्च शिक्षा जो है वो ले पाएँ। कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के नया पाठ्यक्रम शुरू किया जाए, जिसमें संविधान की प्रस्तावना को उल्लेखित मूल अधिकारों की शिक्षा दी जाए। देश में लोग जानते ही नहीं कि उनके अधिकार क्या और कर्तव्य क्या, क्योंकि संविधान पढ़ाया नहीं जाता। स्कूल में जाति सांप्रदायिकता और छुआछूत समाप्त करने के लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा दी जाए, और खेलों को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राउंड ही नहीं है, स्कूल में स्पोर्ट टीचर ही नहीं होता है, तो उनका शारीरिक विकास होगा। मिड डे मील में भोजन गुणवत्ता में सुधार किया जाए, क्योंकि दूषित मिड डे मील खाने से बच्चे बीमार हो रहे हैं, अक्सर अखबार खबरें आती हैं। हमारे साथी नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी कह भी रहे थे, इनकी भी मांग को माना जाए, जिन लोगों ने घोटाला किया उन पर जो है जांच हो, उन पर मुकदमा हो। राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, और उसका पालन सख्ती से कराया जाए। जो इस संस्थान के अधिनियम का पालन नहीं करते, उनकी वित्तीय सहायता रोकी जाए। शिक्षण संस्थानों में कार्यरत एसएसटी ओबीसी के शिक्षकों को होने वाले जातिवाद को रोका जाए। बाल छात्राओं और महिलाओं के लिए कौशल विकास केंद्र और खोले जाएं। घुमंती जातियों के बच्चों के लिए मोबाइल स्कूल चलाए जाएं। छात्राओं के लिए आत्मरक्षा और खेल के विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाए, और महोदया SPQEM योजना को पुनः आरंभ किया जाए। SPQEM शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण योजना थी, जिसे अल्पसंख्यक मंत्रालय ने मदरसों में चलाया था। इस योजना के अंतर्गत NIOS के माध्यम से मदरसे में बच्चों को मुफ्त हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की पढ़ाई करवाना पक्का प्रावधान था। NIOS जो HRD मंत्रालय के अधीन चलने वाला एक ओपन बोर्ड है, इस योजना के तहत विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता। मैं खत्म कर रहा हूं। मैं एक मनुस्मृति आप शुरू कराना चाहते थे, ये गलत है, हम लोग इसका विरोध करेंगे, और कोई इस तरह कदम उठाएगा ये अच्छा नहीं है। साथ साथ मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी थी मोदिया रामपुर में, आप शिक्षा की बात करते, जो शिक्षा को बढ़ावा दिया आजम साहब, आप देखिए राजनीतिक कारणों से जेलें बंद कर दी हैं, और किस तरह का उनके साथ अत्याचार हो रहा है। मैं मांग करता हूँ राजनीतिक कारण छोड़ के उस यूनिवर्सिटी को बंद करने का लक्ष्य सरकार का, ये गलत है, इस तरह से आप नहीं रोक सकते हैं। साथ साथ BEd के बच्चे जो हैं उनका भविष्य खराब हो गया, करोड़ों में उनकी संख्या है, क्योंकि एक नया आदेश वो करके
प्राइमरी स्कूल में नहीं भर्ती हो सकते, बीटीसी और बीएड के बच्चे परेशान हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा इस पर ध्यान दें। और एक आग्रह मैडम मेरा आपसे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि सभी नेताओं के, सभी कर्मचारियों के और जितने भी सरकारी लाभ लेते हैं सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए और समान शिक्षा पॉलिसी लागू, जिससे कि सरकारी स्कूलों में सुविधाएं आए। सरकारी स्कूल में सुविधाएं, एक बड़ा भाग पड़ता है सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट में नहीं घुस सकते हम लोग। बाबा साहब अम्बेडकर को मैं याद करता हूँ आज, महाराज ज्योतिबा फूले और माँ सावित्रीबाई फूले को याद करता हूँ मैं आज, जिन्होंने, मैं खत्म कर रहा हूँ, जिन्होंने पहला स्कूल खोला। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, संत गाड़गे जी महाराज ने कहा कि एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, और बाबा साहब ने कहा खत्म करते हुए कि जो शिक्षा श्रेणी का दूध है जो पिएगा दाड़गा, शिक्षक वैसे हम लोग बोल रहे हैं। तो इसके साथ खेलना हो, इसका बाजारीकरण रोका जाए और सबको पढ़ने का मौका मिले, इसका ध्यान सरकार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। और शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, आपसे आग्रह है ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों पर ध्यान दीजिए सर। हम लोग बहुत उम्मीद करके बैठे हैं सरकार से, और नहीं करेंगे तो फिर अब विरोध करना पड़ेगा, वो ठीक नहीं है। इससे पहले आप काम करो।